देश में इन दिनों बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चला तो दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर का असर नजर आया। मामला इतना गंभीर हो गया है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिरों पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले द न्यूज 15 को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल अलवर के राजगढ़ में 3 हिंदू मंदिरों को गिराने का मामला सामने आया है। मास्टर प्लान में अतिक्रमण के वजह से राजगढ़ प्रशासन ने 300 साल पुराने 3 मंदिरों को गिरा दिया है। इन मंदिरों में लगी भगवान शिव, हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको हटा दिया। यह पूरी घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। 17 अप्रैल से लगातार इस तरह के मामले राजगढ़ में सामने आ रहे हैं। इसके विरोध में नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दे दी गई है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। इस मामले पर बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। इसके बाद एक और ट्वीट में मालवीय ने कहा, 18 अप्रैल को राजस्थान के राजगढ़ कस्बे में बिना नोटिस प्रशासन ने 85 हिंदुओं के पक्के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी के इस हमले के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचारिया वास ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। राजगढ़ नगरीय निकाय बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी का है, उन्हीं ने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर चौड़ीकरण के लिए मंदिरों और घरों को गिराया है। उन्हीं के इशारे पर मंदिर को तोड़ा गया है, जबकि कांग्रेस का विधायक विरोध करते रह गया। गहलोत सरकार के मंत्री ने वादा किया है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो मंदिर दोबारा बनवाएंगे। बात करें राजस्थान की तो हाल ही में करौली में नव संवत्सर पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, और जब अभी करौली का हिंसा के घाव भरे नहीं है, ऐसे में अलवर के 300 साल पुराने मंदिर का बुलडोजर के हवाले कर देना राजस्थान सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और इस कार्रवाई के बाद अगर वहां का माहौल खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा।